तो अश्विनी, थैंक यू वेरी मच सर, आज आपने मुझे फोन लगाया, इसके लिए मैं आभारी हूँ। और आपने कहा कि आप क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ के कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, इसके लिए मैं आभारी हूँ। मेरा ये मानना है कि टेक्नोलॉजी ही हमारी सभी समस्याओं का निदान है, और जो बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं, ये इस व्यवस्था में, परिवर्तन में कोई ज्यादा भूमिका नहीं निभा पाएंगे, क्योंकि वो वर्तमान व्यवस्था का लाभ ले रहे हैं। तो वो चाहे नेता हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे जुडिशरी हो, वो कानून ने उन्हें ऑलरेडी लॉर्ड बना के रखा है, क्योंकि अंग्रेजों ने अपनी व्यवस्था को लॉर्ड बनाया था और पूरे भारतीय उसके सामने गुलाम थे। क्योंकि जी सर, हमारे नेहरू जी की दुष्टता के कारण अंग्रेजों के सभी नियम यथावत अडॉप्ट कर लिए गए, और ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी की लॉर्डशिप भी यथावत जो है अडॉप्ट हो गई है। आज एक चपरासी आपका गलत नामांकन लिख देता है, गलत नापतौल कर देता है, भाइयों भाइयों में झगड़ा हो जाता है, हम जिंदगी भर जो है अपनी चप्पल घिस लेते हैं, हमें न्याय नहीं मिलता है। आप इस बात जी से सर, सहमत हैं? बिल्कुल सर, अच्छा, अब आप ये मुझे बताइए कि जी आज हमारे जो प्रतिनिधि हैं, क्या उनके शिक्षा, चरित्र, सोच, कार्य क्षमता ऐसी है जो कि उन्हें हमारे प्रतिनिधि होना चाहिए? नहीं जबकि सर, इसमें आप थोड़ा सा और ऐड करना चाहते सर हैं, सर 42% जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं 2019 के पार्लियामेंट में, वो आपराधिक चरित्र के लोग हैं, ऐसा उन्होंने अपने खुद के एडमिशन में, जो कि इलेक्शन कमीशन को सबमिट किया है, उसमें कहा है, राइट? और 29% तो जघन्य अपराधों के अपराधी हैं, राइट? जी सर, अब सवाल उठता है कि इस देश में यदि आप चपरासी भी बनना चाहते हैं, तो आपको साक्षर भी होना चाहिए और आपको जो है सचरित्रवान भी होना चाहिए, मतलब आपको अपराधी नहीं होना चाहिए, राइट? जी सर, बिल्कुल फिर सर, जो है कानून की यह निर्माता बेशर्मी से अपराधी क्यों? ये तो सर हमारे समस्या है, दुष्ट बिल्कुल नेहरू ने, मैं दुष्ट वर्ड जानबूझ के यूज कर रहा हूं, दुष्ट नेहरू ने क्यों अंग्रेजों के सभी नियम कानून यथावत अडॉप्ट कर लिए, जो अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य को चलाने के लिए बनाए हुए थे? इन नियमों के में यदि आप इनका डिबेट जो है, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में हुई है, उसको सुनेंगे, तो आप ये पाएंगे कि उन्होंने कहा है कि हमने नियम कानून इसलिए बनाए हैं जिससे कि हम भारतीयों को तोड़ सकें, उन्हें अपमानित कर सकें, उन्हें शोषित कर सकें। और जो एक फसाड बनाने की कोशिश की गई है कि साहब बड़े न्यायप्रिय थे, आप ये बताइए, हर छोटी मोटी चीज में जो उनके नुकसान की चीज थी, उन्होंने बिना किसी कारण के लोगों को फांसी पे चढ़ा दिया, धूर्तता पूर्वक राजाओं को अपने पास बुलाया और उन्हें फांसी पे चढ़ा दिया, इतने धूर्त लोग थे। अब मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूं कि आप ये बताइए, सरदार भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था जिसका नाम था स्मोक बम। स्मोक बम से हम और आप सभी जानते हैं कि कोई व्यक्ति मर नहीं, राइट? जी सर, और उन्होंने ये बात बड़े स्पष्ट ढंग से कही थी कि हमने ये ध्यान आकर्षित कराने के लिए किया है, और मैं इस बात के लिए, ये मेरी पूरी सोची समझी बात है, राइट? मैं किसी से बिल्कुल कोई सर, माफी नहीं मांगूंगा, राइट? अब आप ये बिल्कुल सर, बताइए कि एक ऐसा बम जिससे किसी की मृत्यु कारक नहीं हो सकती है, कोई भी न्याय व्यवस्था उसे फांसी देगी क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, तो ये न्याय व्यवस्था थी या अन्याय व्यवस्था थी? तो ये अन्याय व्यवस्था ही थी सर कि फांसी दे दिया ये गया था। अन्याय व्यवस्था को हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो जो है ना, नमन क्यों करते रहते हैं? तो वर्तमान जो सिस्टम है, स्पेशली हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, वो इस सिस्टम का दोहन कर रही है। आपने सुना कि नहीं सुना है, लोग आग आईएएस का दूसरा नाम कहते हैं इंडियन अवतार सर्विस। भाई साहब, ये अवतार सर्विस कैसे बन गए हैं? ये तो आप लॉर्ड कैसे बन गए हो भाई?
आप निर्णय लो तो आपकी गलती नहीं, गलत निर्णय लो तो आपकी गलती नहीं, घूस खा के निर्णय लो तो आपकी गलती नहीं। देश का प्रधानमंत्री कहता है कि साहब हम 1 रुपए बेचते हैं 85% जो है ना पाइपलाइन खा जाती है, ये पाइपलाइन के ठेकेदारों को जेल भेजो ना। सही बात है सर। ये 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 जो है लॉर्ड क्यों बने हुए हैं? तो जब तक हम स्पष्ट बात कहने की क्षमता नहीं रखेंगे तब तक जो है परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। और मेरा ये बहुत जोर से मानना है कि हम अपराध मुक्त भारत तो 3 महीने में, 6 महीने में, ज्यादा से ज्यादा 1 साल में बना सकते हैं, क्योंकि जो इट इज ए टेक्नोलॉजी ड्रिवन, और जो टेक्नोलॉजी हम बात कर रहे हैं अश्विनी वो आप जैसे बच्चे बना सकते हैं सर। मतलब वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ एनीथिंग रॉकेट साइंस। बिल्कुल सर। तो सवाल यहाँ पे टेक्नोलॉजी की नहीं है, सवाल यहाँ की नियत की है। आप ये बताइए क्या अपराध का पंजीयन ना करना और इस अपने जो है लीगल ड्यूटी का पालन ना करना, जो कानून की व्यवस्था बनाई गई है, जो कानून बनाया गया है, जो संविधान बनाया गया है, उसके तहत संभव नहीं है। हमारे दुष्ट राजनेता संविधान की व्यवस्थाओं का पालन नहीं कर रहे हैं। तो हमारे दुष्ट नेता सिलेक्टिवली संविधान जिसके माध्यम से वो पावर में आए हैं उसको सिलेक्टिवली कैसे यूज कर सकते हैं? आपको बात कुछ जम रही है? जी जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि कानून इतना अच्छे ढंग से बनाया है, एक सेक्शन है 39 CRPC राइट, जो कहता है किसी भी व्यक्ति के को यदि संज्ञेय अपराध की जानकारी होती है तो वो उसे पुलिस को रिपोर्ट करेगा, और पुलिस को रिपोर्ट करना ये उसकी वैधानिक जिम्मेवारी है। यदि वो अपनी इस वैधानिक जिम्मेवारी का पालन नहीं करता है तो यह एक अपराध होगा, इसमें आपको जेल भेजा जा सकता है, और आपको आप इनोसेंट हैं ये आपको सिद्ध करना पड़ेगा। और इसको हम कहते हैं कि इट इज एम्पावरमेंट। तो आप मुझसे कह सकते हैं कि सर ये इसमें एम्पावरमेंट किस बात का है? हमें आप जेल भेज रहे हैं, हमें खुद प्रूव करना पड़ेगा कि हम इनोसेंट हैं, और यदि हम प्रूव नहीं कर पाए कि इनोसेंट है तो आप मुझे जेल में भेज देंगे। तो इसमें एम्पावरमेंट है या लाइबिलिटी है? लेकिन मैं कहूंगा कि ये लाइबिलिटी नहीं है, ये एम्पावरमेंट है। यदि सेक्शन 39 नहीं होता तो थर्ड व्यक्ति जाके इसकी रिपोर्ट नहीं कर सकता था। यह आपको वैधानिक अधिकार देता है कि कोई भी संज्ञेय अपराध किसी के भी खिलाफ हो, यदि आपके संज्ञान में आ जाए तो आप उसे रिपोर्ट कर सकते हैं। अब जो है क्राइम फ्री भारत इस 39 की शक्ति को ही यूज करने वाला है। वो आदमी से क्या कह रहा है, आप थाने में भी रिपोर्ट करो, हमको भी रिपोर्ट करो, राइट। हम उसके कंटेंट को डेट टाइम लोकेशन के साथ प्रोटेक्ट करके, उसके साथ में उसकी वेटिंग जो है ना एक वकील के माध्यम से करा के, यदि लैंग्वेज की प्रॉब्लम है तो लैंग्वेज इंटरप्रेटर का यूज करके, और हर चीज को डेट टाइम और लोकेशन के साथ जो है ना लॉक करते हुए, इनक्रिप्ट करते हुए उसी समय डिजिटल चित्रगुप्त के पास भेज देंगे, और डिजिटल चित्रगुप्त ये इंश्योर करेगा कि उसमें अपराध का पंजीयन हो। यदि मान लो वो क्या करेगा, उसको थानेदार के पास भेजेगा। थानेदार का ये प्लेजर नहीं है, थानेदार की ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके संज्ञान में चाहे विक्टिम के द्वारा या किसी 39 के तहत थर्ड सिटीजन के द्वारा या उसके अपने स्वज्ञान से यदि उसको मालूम पड़ता है तो इवन सीओ मोटो के तहत भी वो अपराध का पंजीयन कर सकता है। अब हम दुष्ट जो है ना वरिष्ठ अधिकारी अपराधों के आंकड़ों को कम रखते हुए इतने जितने भी अपराध संज्ञान में आते हैं उनमें हम पंजीयन नहीं करते हैं। आप ये बताइए, हम दुष्टता पूर्वक जो है शिकायत लेते हैं, शिकायत लेने का प्रावधान कानून में कहाँ है? कानून ने दो हिस्सों में बांटा, गलत या सही, संज्ञेय या असंज्ञेय। यदि संज्ञेय अपराध है तो आपको FIR दर्ज करना है, इसमें ढेर सारे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन भी है, और यदि वो असंज्ञेय है तो आप 155 की रिपोर्ट दर्ज करिए। दोनों केस में आपको रिपोर्ट तो दर्ज करना ही पड़ेगी, एक में FIR दर्ज करोगे इसके बाद, दूसरे में आप जो है ना उसकी असंज्ञेय रिपोर्ट दर्ज करके, जिसको NCR कहते हैं, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट कहते हैं, वो दर्ज करके उसको कहेंगे भाई साहब आप कोर्ट जाइए, ठीक है ना।
आज हमारा थानेदार किस बिना पे जो है वो एप्लीकेशन ले रहा है। एप्लीकेशन लेना पूर्णतया नियम विरुद्ध है, इसमें प्रशासन की कार्रवाई होना चाहिए। अब आप ये बताइए, इसी कानून के सेक्शन 154(3) में ये रिपोर्ट है कि यदि थाना प्रभारी नहीं सुनता है तो एसपी जो है उसके पास आप जाइए। एसपी को बहुत बृहद और ओरिजिनल पावर 154(3) सीआरपीसी में दिए गए हैं। वो कहता है कि एसपी जो है उसका संज्ञान ले सकता है, खुद इन्वेस्टिगेट कर सकता है, लेकिन आप एसपी के इतने सारे मामले आते हैं, एसपी तो सभी केस को इन्वेस्टिगेट नहीं करता है, कर सकता है। तो उसमें इतने बृहद पावर दिए गए हैं कि एसपी को उसी थानेदार, उसी डिप्टी एसपी, उसी एडिशनल एसपी के पास भेजने की जरूरत नहीं है। वो किसी अपने अधीनस्थ को यदि वह जांच को सौंपता है तो उस अधिकारी को इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज रैंक ही विल गेट ऑल द पावर ऑफ एसएचयू। इसका मतलब है एसओ यदि वह राजनीतिक ढंग से पोस्टेड है और हर काम राजनीतिक ढंग से कर रहा है, इसलिए संज्ञान नहीं ले रहा है। संज्ञान न लेने के दो ही कारण हो सकते हैं या तीन कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये है कि वो आंकड़ों को कम रखना चाहता है, राइट। दूसरा कारण हो सकता है कि राजनीतिक दबाव हो, और तीसरा कारण हो सकता है कि पैसा चाहता हो, राइट। चाहे कोई भी कारण हो, एसपी अपने लेवल पे उसे रजिस्टर करके किसी थर्ड व्यक्ति को दे देगा, और वो जो थर्ड व्यक्ति, थर्ड पुलिस ऑफिसर है, उसे केवल एक ही जो है उसके लीगल रिक्वायरमेंट है, ही शुड बी सबॉर्डिनेट टू एसपी, राइट। उसकी कोई रैंक डिफाइन नहीं है, राइट। तो वो ऐसा व्यक्ति जो है ना, ही विल गेट ऑल द पावर ऑफ एसएचओ। इसका मतलब है कि वो एफआईआर भी दर्ज कर सकता है, इन्वेस्टिगेट भी कर सकता है, और चालान वो अपने सिग्नेचर के तहत कर सकता है। मतलब उसे चार्जशीट सबमिट करने के लिए थानेदार के वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी। नॉर्मल केस में यदि कोई भी सबॉर्डिनेट ऑफिसर थाने का यदि इन्वेस्टिगेट करता है तो वो चालान जो है, बिकॉज इट इज द चालान अंडर द अथॉरिटी ऑफ एसएचओ, तो एसएचओ को उसका एक वेरिफिकेशन के मैं सत्ताल सौ संतुष्ट करता हूँ, मेरे चार्जशीट पुटअप करता हूँ, इस तरीके से एसएचओ की फाइनल वेटिंग के बाद जो है ना उसमें चालान पुटअप हो सकता है। लेकिन इस केस में चूंकि जिस व्यक्ति को जांच दी गई है वो थाना प्रभारी के, उसे समस्त अधिकार प्राप्त हो गए हैं, लिहाजा वो अपने खुद की बैटिंग से अपने सिग्नेचर के अंदर वो चालान पुटअप कर सकता है। ऐसे बृहद पावर है। अब यदि मान लो थानेदार अपने, यदि मान लो इस प्रक्रिया का 154 के तहत वो नहीं करता है और उसी थानेदार को यदि मान लो वो मार करता है, तो मेरी मुझे आपत्ति है वो इंक्वायरी एंड रिपोर्ट क्यों लिखता है? वो ये क्यों नहीं लिख देता है कि भाई मैंने इस एप्लीकेशन को पढ़ा है, इससे ये अपराध होता है, प्रतीत होता है। कृपया स्पष्ट करें कि आपको इन धाराओं का अपराध आपको क्यों नहीं लगा? केवल हम इंक्वायरी एंड रिपोर्ट लिखने के बाद जो है सब चीज जो है ना एसएचओ के पाले में छोड़ के जो चाहे वो लिखे। आपको, आप चूंकि इतने समय से पुलिस से जुड़े रहे हैं, आपको मालूम है कि ये अधिकारी क्या लिख देते हैं। शिकायत बड़ा चढ़ा के देना पाया गया है। ये कौन सी बात है, ये बड़ा चढ़ा के देना क्या होता है भाई? आपका कृत्य जो है या तो संज्ञेय अपराध होगा या असंज्ञेय अपराध होगा, ये बड़ा चढ़ा क्या होता है? तो हमने जो है ना केवल दुष्टता से वैधानिक कार्रवाई नहीं कराई है, बल्कि ऐसे जो ना फालतू के आवंडर वाले जो है ना शब्दों का उपयोग करने की भी लोगों को इजाजत दी है। और यदि थानेदार का जो है वो एसपी के कंट्रोल में है तो लीगल के साथ साथ प्रशासन की जिम्मेवारी नहीं बनती है कि भैया तुम्हारे पास खिलाफ हमारे पास 10 रिपोर्ट आई हुई है, तुम अपराध पंजीयन ना करने के आदि हो, हमने आपसे पहले भी जो है ना 10 केसेस में स्पष्टीकरण मांगा है, क्यों ना आपको जो है ना निलंबित करके आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन क्या एसपी कर सकता है? क्योंकि आज सिपाही से लेके हर कोई जो है ना किसी न किसी पॉलिटिकल आका के बरद हस्त में जो है ना पोस्टेड है, और ये जो है सिपाही से लेके जो है ना थानेदार इतने पावरफुल हो गए हैं कि एसपी ने भी बहुत ज्यादा जो है ना चूचा की तो एसपी का ही ट्रांसफर करा देंगे। इसका मतलब है कि हमें सिस्टम में पॉलिटिकल जो लोग हैं वो अच्छी सोच के हों, वो दुष्ट सोच के ना हों, वो राक्षसी प्रवृत्ति के ना हों, वो जो है अपराधिक चरित्र के लोग ना हो, वो अपने चारों तरफ जो है कार्यकर्ता के नाम पे दुष्ट दानवों और अपराधिक चरित्रों को इकट्ठा ना होने दें, ये बहुत आवश्यक है। आज हर नेता के सामने एक चंडाल चौकड़ी बनी हुई है जो उसके कार्यकर्ता के नाम पे जो ना उससे जुड़ी रहती है, उनमें अधिकांश जो ना गुंडा, मवाली और अपराधिक चरित्र के लोग हैं। इनमें से कईयों के तो जो है ना स्थायी वारंट जारी है। तो
नेताजी के खुद के स्थायी वारंट हो सकते हैं और इनके चंगुओं मंगुओं के स्थायी वारंट है। तो पहले तो नेताजी यदि आपराधिक रिकॉर्ड के हैं तो कानून के निर्माता क्यों बनना चाहिए। और ये दुष्ट जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ये जो है प्राइवेट कंपनियां और पारिवारिक कंपनियां बन गई हैं, इन दुष्टों को शर्म नहीं आता है कि आपराधिक चरित्र के व्यक्तियों को टिकट देते हैं। तो ये बेशरम लोग हैं, आपराधिक लोग हैं, गंदी सोच के लोग हैं, इन्हें इनके गेम में हराना ही होगा, तभी हम इस भारत में परवर्तन। डू एग्री विथ मी? बिल्कुल सर, कंप्लीटली एग्री विथ यू। और टेक्नोलॉजी हैज टू प्ले, तो अब आपने मुझसे पूछा कि हाउ यू कैन कंट्रीब्यूट, तो आप दो तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जो भी आप नौकरी कर रहे हैं वो करते रहिए, ठीक है ना? नौकरी खत्म होने के बाद जो भी आपका ड्यूटी के बाद का समय है, उसमें से आप संकल्प लीजिए आज कि मैं 1 घंटा जो है क्राइम फ्री भारत के मिशन के लिए लगाऊंगा। ये आपको निर्णय लेना है कि आप 1 घंटा लगाना चाहते हैं, 2 घंटे लगाना चाहते हैं, राइट? ये बात स्पष्ट है आपको? जी जी सर, बिल्कुल। आप दूसरी बात ये है कि चूंकि आप टेक्निकल हैं, तो आपके भाग, आपके काम को दो भागों में बांटना चाहेंगे, एक टेक्निकल भाग और एक नॉन टेक्निकल। तो चूंकि नॉन टेक्निकल तो कोई भी कर सकता है, इसलिए हम चाहेंगे कि आप 90% अपनी एनर्जी टेक्निकल पार्ट में दो, ठीक है ना? जी, तो आप पूछेंगे सर टेक्निकल पार्ट में क्या करना है, तो टेक्निकल पार्ट में टेक्निकल बंदों को जोड़ना है। तो जो बच्चे आपके साथ पढ़े हैं, इंटरेक्शन में आ रहे हैं, वर्कशॉप या सेमिनार में आ रहे हैं, उनको जोड़ो, राइट? उनको हमारे ऑडियो वीडियो भेजो, उनसे बातचीत करो, राइट? उन्हें क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहो, राइट? और जी सर, आप खुद जो है ऊर्जा केंद्र बन के उनको ऊर्जा केंद्र बनाओ, राइट? आप चाहो तो उन्हें हमारी तरफ से जो है जिस ओहदा देना चाहते हैं कोई ओहदा भी दे दीजिए कि फलाने फलाने ऊर्जा केंद्र, हम हर किसी को ऊर्जा केंद्र डिक्लेयर करेंगे और हम इस चीज को एज ए एनर्जी हैंडल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं एक चीज कहना चाहता हूँ अश्विन में आपसे, कि यदि एक मैग्नेट जो है लोहे की छड़ के पास में आती है, तो वो बिना कुछ किए उस लोहे के सभी पार्टिकल्स को अपनी अपनी जगह पर रीओरियंट करके चुंबक बना देती है कि नहीं बना देती है? बिल्कुल सर। क्या कोई भी पार्टिकल अपनी जगह छोड़ता है क्या? नहीं सर, नहीं छोड़ता। तो हमें एग्जैक्टली यही करना चाहिए, जो आज के नेताओं ने कार्रवाइयां की हैं, हम उसको बिल्कुल नहीं करेंगे। ना हम जुलूस निकालेंगे, ना हम चक्का जाम करेंगे, ना हम तोड़ फोड़ करेंगे, और हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसमें जो लोग अच्छी सोच के हैं उनका समय बर्बाद हो, उन्हें पैसा खर्च करना पड़े, ठीक है ना? तो हमें क्या करना है, ऊर्जा केंद्र बनना है और वो ऊर्जा जो है दूसरे लोगों को भेज देना है और उनसे रिक्वेस्ट करना है कि वो भी ऊर्जा केंद्र बने, राइट? और उनको जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र का ऊर्जा केंद्र डिक्लेयर करते हुए मेरे पास भेजेंगे, तो हम उनके औपचारिक आदेश भी जारी करेंगे, ठीक है ना? बिल्कुल सर। उनको कुछ नहीं करना है, ना उनको पैसा खर्च करना है, राइट? उनको जो है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और क्राइम फ्री भारत की जो है मेंबरशिप ले लेना है। अभी उसके लिए हम एक ऐप जारी कर रहे हैं, लिंक पहुंचेगी, वो लिंक के माध्यम से वो जो है ना बन जाएंगे और वो जो है क्राइम फ्री भारत के वॉलंटियर्स भी होंगे, उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी और उनको इतनी हैवी रेवेन्यू स्ट्रीम उसके साथ बाद में जो है ना फ्लो होगी कि आज जो वो कमा रहे हैं वो इस रेवेन्यू स्ट्रीम के सामने छोटा और बौना हो जाएगा। तो बिकमिंग द क्राइम फ्री भारत वॉलंटियर्स आफ्टर से 2 ईयर और 3 ईयर्स में बिकम योर सोल जो है ना सोर्स ऑफ अर्निंग, राइट? यदि मान लो इस सेवा में आप 50,000 कमा पा रहे हैं और यदि क्राइम फ्री भारत के वॉलंटियर्स में आपको 1,00,000 कमा रहे हैं, तो ये 50,000 में अपनी एनर्जी क्यों खर्च करना? और या इसमें भी खर्च एनर्जी खर्च करते रहो, 50,000 इससे कमा लो, 1,00,000 उससे कमा लो, बिल्कुल, ठीक है ना? अब जो है हम तो एक टेक्निकल साइड में, क्योंकि आप टेक्निकल से जुड़े हुए हैं तो टेक्निकल विंग को अलग रखो, राइट? और फिर एक नॉन टेक्निकल विंग बना लो, इनके जितने लोगों को आप जोड़ रहे हैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप में करो और फॉरवर्डिंग से आप मत मानो। आज इतने सारे वीडियोज ऑडियोज फॉरवर्ड हो रहे हैं कि जिसे लोग आप खोल के भी नहीं देखते हैं, लिहाजा वीडियो भेज के उस पर चर्चा करो। यदि वो ऐसे कोई पॉइंट पूछता है जो आप अपने लेवल पर जवाब नहीं दे पाते हैं, तो उसे जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस में लेके, ऑडियो कॉन्फ्रेंस में लेके हमारे से मुखातिब करो, मैं उसको जवाब दूं, ठीक है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और वो अपने लेवल पे अपने नीचे को एनर्जी दे
और बड़े लोगों की चिंता मत मारो, राइट, क्योंकि अधिकांश बड़े लोग स्वार्थी लोग हैं, वो अपने लाभ के लिए जीते हैं। आप इतने बड़े बड़े लोगों के साथ काम किए हो, आपको एक भी ऐसा व्यक्ति मिला जो कि अपने स्वार्थ से ऊपर हो, जो कि वो अपने लाभ के लिए काम ना कर रहा हो? सर आप ही मिले हैं। अब मेरे को छोड़ दीजिए, मैं एक पागल आदमी बना क्या है? नहीं सर, आपके आइडिया हमेशा इंस्पायर करते हैं, जो अपने से अलग होते हैं, दूसरों के बारे में और कंट्री के बारे में सोचने वाले होते हैं। नहीं, हमें केवल सोचना नहीं है, हमें पूरे इकोसिस्टम के साथ उसे जमीन पे उतारना है, क्योंकि ये दुष्ट लोग जिन्होंने इंटेलेक्चुअल का ठेका लेके रखा हुआ है, वो इंटेलेक्चुअल है ही नहीं, वो दुष्ट लोग हैं, खुदगर्ज लोग हैं, अपना जो है ना बेनिफिट देखते हैं, अपने परिवार का बेनिफिट देखते हैं, ये डरे हुए धूर्त प्राणी हैं जो जीरो रिस्क लेते हैं। इनसे अच्छे तो हम तब थे जब हम गुलाम थे, उस समय कितने लोग जो है ना फ्रीडम फाइटर थे, कितने लोगों ने अपनी जिंदगी दांव पे नहीं लगाई, कितने लोग फांसी पे नहीं चढ़ गए। इन खुदगर्ज लोगों को कुछ नहीं है तो भी साला ये इनका इनका मुंह भी नहीं खुलता है। दे वॉन्ट टू बी ऑलवेज पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिकली करेक्ट। इतने दुष्ट लोग हैं, इनको बड़ा मत मानिए, ये बहुत छोटे लोग हैं, एक छोटे चरित्र के बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं। सही बात है सर। ये बड़े लोग नहीं है, ये बड़े पदों पर बैठे हुए छोटे चरित्र के लोग हैं, इनकी तरफ मत देखिए, ये स्वार्थी लोग हैं। आप अपने से, अपने प्रभाव क्षेत्र के जो लोग आपकी एनर्जी से नीचे हैं, उनको एनर्जी दीजिए। आज हमारा देश के जो है अधिकांश जो भारतीय हैं वो गुलाम जैसे हो गए हैं, वो दिनचर्या से जो है ना रोज उससे झगड़ के कैसे भी अपना जीवन पालन कर रहे हैं, रोज महंगाई बढ़ रही है, टैक्स बढ़ रहे हैं, तो वो जो है ना महंगाई के मार में जो उसको जीवन यापन मुश्किल हो रहा है, अपने बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो रहा है, ये सब जो है पॉलिटिकल दुष्टता के कारण हो रहा है। मैं अपनी शक्ति से, अपनी सोच से इस देश को समृद्ध बना सकता हूँ, इस देश को जो है यहाँ का प्रजातंत्र फिर से इम्प्रूव करके पार्टी विहीन प्रजातंत्र ला सकता हूँ, खर्च विहीन जो है चुनाव व्यवस्था ला सकता हूँ, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को जो आज अभी इन्होंने ब्लर कर दिया है, दुष्टता उसमें हावी है, उसका सेपरेशन जरूरी है। जो जुडिशरी है वो तो जो है नेता के रिकमेंडेशन पे ही पैदा होती है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, उसे जो है भारतीय सेवाओं के जैसा ही उसे इंडिपेंडेंट बनाया जाए, उसकी प्लेसमेंट एंड पोस्टिंग में किसी भी एग्जीक्यूटिव का कोई रोल नहीं होना चाहिए, तभी सही मायने में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियल सेवा अलग अलग होगी, और इनमें से कोई भी लॉर्ड नहीं होगा। सबको जो काम है कि अपने कर्तव्य का निर्वहन करें, और इसमें हम लॉ ऑफ थॉट लाएं, और जो लोग अपने कर्तव्य का ठीक ढंग से निर्वहन नहीं करते हैं, जानबूझ के गलत निर्णय लेते हैं, जो अपने निर्णय को डिफेंड नहीं कर पाते हैं, उसमें हमें राइट कंपनसेशन का प्रावधान करना चाहिए अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट। तो लॉ ऑफ टॉर्ट भी जो है ना क्राइम फ्री भारत लाएगा और इन लॉर्ड्स को अकाउंटेबल बनाएगा। आज इन लॉर्ड्स को अकाउंटेबल बनाने की जरूरत है। हम लोग जो चर्चा करते हैं वो फालतू के विषय में चर्चा करते हैं। आज यदि हर कोई व्यक्ति अकाउंटेबल होगा, अपनी पूरी क्षमता से काम करेगा, तो आप बताइए देश कहाँ पहुंच जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप 1 रुपए बेचते हैं, 15 पैसे जो है ना जनता में पहुंच रहा है, ऐसी पाइपलाइन को आग लगा दो जो 85 पैसा खा रही है। ये तो है सर। और ये सभी लोग चूंकि जो है इसी चीज का दोहन करते हैं, तो पहले कहते हैं कि इसमें आग लगा दो, बाद में जो है ना उसी को जो है ना उसी की जो है ना गुणगान करने लग जाते हैं। कर जाते हैं कि नहीं कर जाते हैं? नाउ देयर इज एब्सोल्युटली पार्टनरशिप बिटवीन द ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिशियन, और जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी अपने लाभ का जो है ना वो कर रही है, वो जो है इनकी चमचागिरी करके अच्छे पद जो है मलाईदार पदों पे जो है ना जाना चाहती है, और अपने आप को टैक्टफुल और डिप्लोमेटिक कहती है। अरे ये दुष्ट लोग, स्वार्थी लोग हैं, इन्हें बड़ा मत मानिए, ये बड़े पदों पर बैठे हुए छोटे लोग। जी सर, आपको कुछ एनर्जी मिली? बिल्कुल सर, बहुत। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने संकल्प दोहराएं, क्या क्या संकल्प आपने लिए हैं? सर सबसे पहला क्राइम फ्री भारत से जुड़ना है, उसके बाद रोज अपने दिनचर्या के बाहर हटके 2 घंटे 1 घंटे क्राइम फ्री भारत में देना है, और टेक्निकल विंग को स्ट्रांग करना है, और भी लोगों को जोड़ना है। तो ये जोड़ने अपन जो है कैसे जोड़ेंगे? उनको ऊर्जा केंद्र बनाएंगे। ऊर्जा केंद्र का मतलब क्या है कि वो जो आप कर रहे हो वो उनको भी करना है,
तो जो लोग आपको ऊर्जावान लग रहे हैं, जो आपसे पूरी तरह से सहमत हो गए हैं, उनको जो है ना टास्क करो कि वो भी आप जैसे संकल्प में और उस ऊर्जा को आगे ट्रांसफर करें। बिल्कुल ये बिल्कुल ऊर्जा जो है ना बिना अपनी जगह छोड़े जो है ऐसे ही चारों तरफ बढ़ती जाएगी और हम बहुत जल्दी करोड़ों में पहुंच जाएंगे। जब हम 50 करोड़ या 100 करोड़ होंगे तो इनकी बातों को समझ के, इनसे चर्चा करके, जो ये चर्चाएं होंगी उनमें क्या क्या करना चाहिए, ये सब प्रेसिपिटेट करके क्राइम फ्री भारत जो है उसे ड्यूएबल फॉर्मेट में, क्या कानून में परिवर्तन चाहिए, क्या और कुछ कार्रवाई करना है, ऐसे ड्यूएबल फॉर्मेट में वीडियो बना के फिर जो है जनता के माध्यम से थाली बजा के, दीपक बजा के और वीडियो चला के इन काले नेताओं को मजबूर करने की कोशिश करेंगे। और यदि ये नहीं मानेंगे तो 2024 में क्राइम फ्री भारत मिशन जो है क्राइम फ्री भारत पार्टी के रूप में अवतरित होगा। और इस दौरान जो है उसके जो 50 करोड़ 100 करोड़ जितने लोग भी जुड़ जाएंगे उन्हीं से जो है कर्म योगियों की सूची प्राप्त करेगा। उस फिर कर्म योगियों से संपर्क करके उनके बायोडाटा और वो सब प्राप्त करेगा, फिर डिबेट कराएगा और 545 जो है कर्म योगियों को छांटेगा जिन्हें बिना चुनाव प्रचार के जिताएगा और इन दुष्ट काले नेताओं के इन्हीं के गेम में इनको हराएगा। अब आशुतोष बताओ, जो मैंने पूरी रणनीति बताई है इसमें कोई चीज ऐसी है जो डुएबल नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल डुएबल है ये और बिल्कुल करना भी चाहिए हमें ये। तो मैं ये मानूं कि अश्विनी ने आज संकल्प ले लिया है और हमें जो है ना आप रोज शाम को अपना काम और जो करने के बाद उसका एक फॉलो अप रिपोर्ट भेजेंगे, बिल्कुल सर जिनको बिल्कुल आप ऊर्जा केंद्र डिक्लेयर करेंगे उनके बारे में हमको जानकारी देंगे, जिससे हम बाद में औपचारिक आदेश भी उसके जारी कर पाए और वो भी जो है ना फिर आपको रिपोर्ट भेजें और आपसे हमारे पास रिपोर्ट आए। ऐसा ही यदि हम करते जाएंगे तो हम रातों रात जो है करोड़ों में पहुंच जाएंगे। मैंने एक चीज और भी महसूस की है, जैसे अभी जो है आप देखेंगे आप जो है अपने सामने यदि 25 लोगों को क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कराएंगे और आप पाएंगे कि आपके सामने जो है सब्सक्राइब हुआ लेकिन वहां रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि लोगों की कुर्सियां हिल रही हैं, कोई ना कोई जो है शक्ति जो है YouTube चैनल पे दबाव बनाए हुए है कि क्राइम फ्री भारत मिशन की व्यूअरशिप ज्यादा दिखाई ना दे, इनकी जो है ना मेंबरशिप की संख्या ज्यादा दिखाई ना दे। तो यदि आज आप 5,000 हैं तो आप 50,000 से ज्यादा हैं, हो सकता है 5 लाख भी हो, ये YouTube की दुष्टता के कारण जो है वहां परिलक्षित नहीं हो रहा है। तो बहुत जल्दी हम इसको पोर्टल के थ्रू रूट करेंगे तो हमारा पोर्टल खुद हमको अपना काउंटर दे देगा, हमें इनकी जरूरत ही नहीं होगी, जी सर बिल्कुल सर ठीक है ना? तो बिल्कुल सर आप जो है ना एक नोट बनाएंगे कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी जो जिन लोगों को आप टेक्निकल लोगों को जोड़ेंगे उनकी स्ट्रेंथ क्या है और उनको जो है एक प्रॉपर फॉर्मेट में अपन जोड़ के उनको हम टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट बनाने के लिए जो है ना अग्रसर करेंगे, जिससे कि क्राइम फ्री भारत जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनिशिएटिव है उसको जो है ना वो टेक्नोलॉजी हम इन हाउस डेवलप कर पाए, बिल्कुल सर बिल्कुल क्योंकि हम जो है खर्च नहीं करेंगे, राइट? हम जो बिल्कुल है कानून में परिवर्तन करके इसी में जो है ना इसको आय का वो बना देंगे, हम पुलिस को डी बर्डन भी करेंगे, पुलिस को जो है ना इतना सपोर्ट कर देंगे कि वो जो है 15 दिन में सबसे घटिया और ऑर्डिनरी पुलिस ऑफिसर भी 15 दिन में इनफेलिबल एविडेंस एविडेंस कलेक्ट भी कर पाएगा और चालान कर पाएगा और डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से और एडहॉक जजेस की जो है ना नियुक्ति करके 1 महीने के अंदर हर केस में हम जस्टिस को सर्टेनिटी ऑफ डिलीवरी ऑफ जस्टिस जो है ना ग्राउंड पे उतारेंगे, क्योंकि आज तो जो है ना प्राइम मिनिस्टर के केस में भी 20-25 साल लग जाते हैं और हम जो है न्याय नहीं दे पाते हैं, तो आम आदमी को क्या न्याय देंगे? हमें इस व्यवस्था को बदलना ही होगा क्योंकि ये व्यवस्था आपके दोहन के लिए बनी हुई है। एक काले नेता जिनको जो है इस समय जेल में होना चाहिए, यह ये दुख का विषय है कि वो कानून का निर्माता बने हैं, ये दुख का विषय है कि गंदी पॉलिटिकल स्वार्थी पार्टियां जो कि परिवारवाद से और प्राइवेट कंपनियां बन गई हैं ये इन दुष्ट लोगों को टिकट देती हैं। इन दुष्ट पार्टियों को इतना जो है ना वो कर दीजिए कि ये जो है इनका ये दुस्साहस खत्म हो जाए, आगे चल के हमें पार्टी विहीन प्रजातंत्र लाना है और खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था लाना है,
साइबर क्राइम फ्री भारत लाना है, फिर पेपर करेंसी मुक्त भारत लाना है। जब हम पेपर करेंसी मुक्त भारत ले जाएंगे तो आप बताइए कि जो अभी हवाला से और बाकी जगह से टेररिज्म में, ड्रग में, नक्सलिज्म में भारत को तोड़ने के लिए जो पैसे का फ्लो हो रहा है वो अपने आप सूख जाएगा कि नहीं सूख जाएगा? बिल्कुल सूख जाएगा ना। और इसके बाद हम टैक्स फ्री जो है भारत अर्थव्यवस्था लेके आएंगे, क्योंकि टैक्स जो है अंग्रेजों ने इनको तोड़ने के लिए बनाया है। ये यूरोपीय दिमाग से नहीं चलेंगे, अपन भारतीय दिमाग से चलेंगे। अब मैं आपसे पूछता हूं कि हम टैक्स जीरो कर देते हैं तो अपराध मुक्त भारत जो है ना कम से कम 4 गुना पैसा इकट्ठा खुद अपने रेवेन्यू स्ट्रीम से कर पाएगा, जो डेवलपमेंटली ज्यादा होगा, और 100 गुना जो है ना पैसा इसी व्यवस्था के तहत पैदा कर पाएंगे, और वो भी टैक्स फ्री। अब मैं आपको समझाता हूं कैसे संभव होगा। आप ये बताइए कि हम जो है पेपर करेंसी को हमने खत्म कर दिया, और जल्दी नहीं करना है, हम पहले से डिक्लेयर करेंगे कि 2 साल में हम पेपर करेंसी को खत्म कर देंगे, ठीक है ना? आज से वो डेट डिक्लेयर होगी, राइट, जिससे लोग अपना आराम से जो है पैसा जमा करते हैं, ये करते हैं, वो कुछ करना है, सब कुछ करना है, ठीक है ना? और इस बारे में ऑलरेडी RBI ने बहुत अच्छा काम किया है। पहले स्मार्टफोन के माध्यम से ये काम होता है, अब जो है ये काम इवन फीचर फोन पे भी कर दिया गया है। आप यू मस्ट बी नोइंग नाउ फीचर फोन हैविंग द फोन पे अरेंजमेंट, डू यू नो दिस? अभी 3 दिन पहले RBI ने डिक्लेयर किया है, बिल्कुल सर, UPI हो गया फीचर फोन पे SMS के थ्रू। तो हम जो है 5 निशान जो है ना हर भारतीय के करें, ठीक है ना? जैसे आधार नंबर हो गया है, डेबिट कार्ड हो जाए, क्रेडिट कार्ड हो जाए, एक मोबाइल यदि उसके पास नहीं है तो हम जो है ना उसको अपनी तरफ से जो है ना दे दें, और उससे यदि रिकवरी भी करना है तो हम जो है ना टोकन में करते रहेंगे, या वो जो है ना इतनी फ्री भी बांट रहे हैं, फ्री भी में ये चीज बांटो ना। तो एक डेबिट कार्ड, एक क्रेडिट कार्ड, एक जो है पैन नंबर, और एक मोबाइल कार्ड, ठीक है ना, एक मोबाइल फोन, और ये मोबाइल नंबर जो है दे विल बी नॉन चेंजेबल नंबर, राइट? तो ये पोर्ट हो जाएंगे यदि आपको सर्विसेज ठीक नहीं मिल रही है। और फाइबर कनेक्टिविटी एंड मोबाइल कनेक्टिविटी युद्ध स्तर पर 1 साल के अंदर भारत के हर कोने में पहुंचाया जाए, और फाइबर का नेट लगा दिया जाए, बाकी पैसे चाहे कम करके इसी तरफ यदि काम कर दिया जाए तो हम एक अपराध मुक्त भारत जो है ना आसानी से पैदा कर पाएंगे। तो अब हम आते हैं कि कैसे जो है, अब ये बताइए कि यदि हम एक बार पेपर फ्री करेंसी हो जाती है तो हमारी अधिकांश समस्याएं खत्म हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? बिल्कुल सर। टेररिज्म के लिए पैसा ड्राई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल ड्राई। नक्सलिज्म में पैसा ड्राई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल है? बिल्कुल ड्राई हो जाएगा सर, राइट। और यदि वो गन के आधार पर पैसा ट्रांसफर भी कराते हैं तो वो अकाउंट जहां जाएगा वहां मालूम पड़ जाएगा, वहां से कहीं जाएगा तो वो मालूम पड़ जाएगा, राइट? तो वो जहां भी पहुंचेगा वहां से पकड़ लेंगे उसको, और जिन जिन जहां से रूट हो रहा है उनको सबको जेल में डाल देंगे, बिल्कुल सर। तो ना हवाला होगा ना वो सब होगा, ये व्यवस्था ये दुष्ट जो है राजनेता कभी नहीं लाएंगे, क्योंकि वो साले खुद अपराधी हैं, वो इस व्यवस्था का लाभ ले रहे हैं। इन काले अंग्रेजों को, इन काले दुष्ट नेताओं को, पूरी व्यवस्था को इन्होंने अपने लाभ के लिए यूज कर लिया। आप ये बताइए 2004 के बाद जो बच्चे आए हैं ब्यूरोक्रेसी में उनको पेंशन नहीं मिलेगी, और ये दुष्ट नेता यदि एक दिन भी मेंबर रहेंगे तो इनको पेंशन मिलेगी, यदि ये 5 जगह रह लेंगे तो इनको 5 पेंशन मिलेगी। आपको मालूम है अजीत जोगी जी की पत्नी को शायद 7 पेंशन मिल रही है, मुझे नहीं मालूम है कैसे मिल रही है, लेकिन यदि ये सही है तो इससे बड़ा जो है हास्यास्पद और दुष्टता का और कोई नमूना हो सकता है क्या? नहीं सर। तो ये तो दुष्टतापूर्ण बात है। इन गंदे चरित्र के लोगों से कोई अच्छी बात की अपेक्षा करना अच्छा भी नहीं। आप मुझे बताइए कि इनमें से आपके आसपास जितने भी लोग हैं जो आपके नेता हैं, MP MLA हैं, इनमें से 5 या 10% छोड़ भी देते हैं तो 90% में ऐसी कोई काबिलियत नहीं है, ना उनकी शिक्षा है, ना उनकी सोच है, लेकिन जो है ना वो उनकी वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव बने इन दुष्ट पार्टियों ने, और ये दुष्ट आपराधिक प्राइवेट कंपनी रूपी जो है ना परिवार रूपी प्राइवेट पॉलिटिकल पार्टियों ने इन दुष्ट लोगों को हमारे सिर पर थोपा है। हमारे पास कोई अच्छा विकल्प ना होने को इन्होंने दोहन किया है। क्राइम फ्री भारत वह विकल्प लेके आएगा, और ये जो बातें हम अपेक्षा कर रहे हैं माननीय नरेंद्र मोदी से, माननीय अमित शाह जी से, यदि ये कर देंगे तो इनको सिर पे बिठाएंगे और इनको 545 जो नसीब दिलाएंगे, यदि ये ऐसा नहीं करेंगे तो इनको नष्ट कर देंगे। क्राइम फ्री भारत एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में अवतरित होगी,
पांच साल तक जो नियम कानूनों में जो भी प्रावधान चेंज करना है वो चेंज करेगी और फिर विलुप्त हो जाएगी, क्योंकि हमें पार्टी विहीन प्रजातंत्र लाना ही होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप सहमत हैं इस बात से? बिल्कुल सहमत है सर। तो आज आपने संकल्प सही मायने में लिया है या मुझे जस्ट प्रभावित करने के लिए लिया है? नहीं नहीं सर, बिल्कुल सही मायने में लिया है। चलिए, तो आज से आप, मैं एक आपसे मैसेज की अपेक्षा करूंगा कि आपने इस एनर्जी का ट्रांसफर कितना किया है, कितने एनर्जी केंद्र पैदा किए हैं, और एनर्जी केंद्र के दो ही जो है ना तरीके होंगे। जब तक हमारा ये लिंक से हम आपकी मेंबरशिप जारी नहीं करते हैं तब तक यूट्यूब चैनल को अकेला सब्सक्राइब करना है, और जैसे ही मेंबरशिप इशू हो जाता है तो उसे फिर मेंबरशिप भी लेना है, उसको बाकायदा आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा, बहुत सारे जो है ना उसको मर्चेंडाइज भी मिलेंगी, कैप ऐप जैसी ऐसी चीजें भी वो खरीद सकेगा, और हमारे क्राइम फ्री भारत पे ये प्रतिबंध है कि वो किसी अधिकारी से नहीं मिलेगा। न्याय हम पब्लिक को अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिलाएंगे और हम किसी के पास नहीं जाएंगे, लेकिन जो है अपना शक्ति संवर्धन हम ऊर्जा के केंद्र के माध्यम से उस कॉन्सेप्ट पे करेंगे, और हम अपने स्थान को नहीं छोड़ेंगे, तो हमारा कोई खर्च भी नहीं आएगा, हमें ना किसी का चक्का जाम करना है तो कोई हमारे ऊपर झूठे केस भी नहीं लगा सकेगा, हमें कहीं ले जाना नहीं है तो ना हमें खुद पैसे की जरूरत होगी ना हमको पैसे की जरूरत होगी, और ऊर्जा का जो है फैलाव, प्रकाश का फैलाव प्रकाश गति से होता है, राइट? तो ये ऊर्जा जो है कब फैल के 50 करोड़, 100 करोड़ और 137 करोड़ हो जाएगी ये मालूम ही नहीं पड़ेगा सर। बिल्कुल, तो आओ हम मिलके अपने आप को ऊर्जा का केंद्र बनाते हुए उस ऊर्जा का फैलाव पूरे भारत वर्ष में कर दें, और पहले इन राजनेताओं को विवश करें, यदि ये सब चीज मान लेते हैं तो इनको सर में बिठाएं, इनको एसोगान करें, इन्हीं को 545 वोट के साथ जिताएं, 545 जो है ना मेंबर के साथ जुटाएं, जो 303 वगैरह नहीं रहेंगे, पूरे 545 रहेंगे। यदि ये विवश नहीं हुए, अपने अहंकार और अहम में बने रहे, तो फिर क्राइम फ्री भारत एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में अवतरित हो और पांच साल के अंदर वो सब करे और इस देश को जो है पार्टी विहीन प्रजातंत्र, खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव ज्यूडिशरी एंड लेजिस्लेचर, सभी की अकाउंटेबिलिटी लॉ ऑफ टॉर्ट के तहत, कोई भी लॉर्ड नहीं होगा, एवरीबडी हैज टू परफॉर्म एंड कंट्रीब्यूट फॉर द नेशन। और जैसा अपन ने आगे कहा है कि शुरू में साइबर क्राइम फ्री भारत, बाद में पूरे क्राइम फ्री भारत, पेपर करेंसी विहीन भारत, टैक्स फ्री भारत, फिर जो है आगे चल के जहर विहीन कृषि, केमिकल जो आपके जो ना पूरे जिंदगी में आ गए हैं, जिसने जो है आपके सीवेज को एक लाइबिलिटी बना दिया है, यदि हम इसको केमिकल फ्री कर दें तो ये इट विल बिकम द बिगेस्ट बायो सोर्स ऑफ एनर्जी एंड बिगेस्ट बायो सोर्स ऑफ मैनुअर, राइट? तो आओ हम मिलके ऐसी व्यवस्था को जमीन पर उतारें। आप इस बात इसमें कुछ एनर्जी फील कर रहे हैं मिस्टर अश्विनी? बिल्कुल सर, बहुत ज्यादा। तो बस इसी एनर्जी को आगे पास ऑन करो, हम जो है 2024 से 2024 के बीच में कोशिश करें कि हमारे चुने हुए इन राजनेताओं को व्यवस्थ करते हुए हम ये परिवर्तन लाएं, और यदि ये हमारे राजनेता अपने अहंकार में विवश नहीं होते हैं तो इन्हें 2024 में पॉलिटिकल पार्टी के रूप में अवतरित होकर इन्हें नष्ट किया जाए, और जो व्यवस्थाएं अपन कह रहे हैं वो हर पांच साल में पूरी कंप्लीट की जाए, यदि जरूरत हो तो हमारा पार्लियामेंट 365 दिन चले, राइट? और बिल्कुल सर, बिल्कुल ये सब अचीव करके फिर जो है क्राइम फ्री भारत पार्टी भी विलुप्त हो। बिल्कुल सर, क्योंकि यदि वो पार्टी विलुप्त नहीं होगी तो वो फिर सत्ता का केंद्र बनेगी, फिर वो भी प्राइवेट कंपनियों जैसा जो है ना होगा, और हमारे स्वार्थी लोग अपने लाभ के लिए जुड़ के उसको हाँ अपने इंटेलेक्चुअल ज्ञान का जो है दुरुपयोग करते हुए वो अपने आप को जो है शक्ति का केंद्र बनाएंगे, ऐसा नहीं होने देना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं होने देना है। तो इस बात के साथ जो है ना अपन आज की वार्ता को विराम देते हैं सर। सर सर ठीक है ना, आप कुछ सर कहना चाहते हैं, कुछ अपील करना चाहते हैं पब्लिक से? मैं तो बस यही अपील करूंगा सर कि क्राइम भारत की सोच के साथ जुड़े और उसमें सहयोग करें, क्योंकि मैं भी आज जुड़ रहा हूँ, मैं भी अपना सहयोग दूंगा। उनसे ये अपील जरूर करो कि मैं शक्ति का केंद्र बन रहा हूँ, मैं ऊर्जा का केंद्र बन रहा हूँ, आप भी शक्ति व ऊर्जा के केंद्र बने और अपनी उस एनर्जी को आगे बांटें और लोगों को ऊर्जा केंद्र बनाएं,
और ऊर्जा संरक्षण केंद्र का पूरे फैलाव जो है पूरे भारत वर्ष में करना है और आगे कुछ महीनों में ही ये करके दिखाना है, तब हम ये व्यवस्था बदल पाएंगे। आप जो मैंने आपको रणनीति बताई है, मैं आपको कुछ कमी दिख रही है क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। तो बिल्कुल चलो फिर हम इसे जमीन पर उतारें। जय हिंद सर, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद सर।